क्वालिफाई कर डिफेंस सर्विसेज, ये मेरा सपना था कि मैं फौज क्वालिफाई करना चाहता हूं, मैंने कर दिया, बट मैं कुछ और करना चाहता हूं, आई नीड अनदर अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू क्रिएट समथिंग, साइड इसी इंडस्ट्री के लिए करना चाहता हूं, गिव मी अपॉर्चुनिटी। और सर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, दैट्स अंडरस्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हैप्पी ईयर, आई एम गिविंग लॉट्स ऑफ कमीशन ऑफिसर्स एंड लॉट्स ऑफ नॉन कमीशन ऑफिसर्स, आई फील प्राउड कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल, नॉट फॉर मी ओनली सर, जो मैं अपने लिए सब कुछ नहीं कर रहा हूं। To talk about getting support from the parents, sir. To strength, sir, focus करना होगा. वो जिस दिन focus आ जाएगा, sir, believe you try to everything whatever you want to do. तीसरी quality के रूप में मेरे से पूछा गया sir, ये sir और सबसे अच्छी चीजें क्या हैं? एक बड़ी अच्छी बात है sir, कि बच्चा finally बच्चा होता है sir. ये बड़ी सुपर सी बात कही गई है कि अगर आपको और अच्छा करना है sir, तो don't advise. हमारी एक से बहुत तगड़ी आदत हो गई आज के जमाने में, अब हम एडवाइस नहीं करते हैं सर, अब हम एडवाइस करते हैं सर, हम केवल आवाज बढ़ा रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं हम सर, कुछ भी एडवाइस सही नहीं कर पा रहे हैं सर, हम एडवाइस के प्रारूप में चले गए हैं सर, ये एडवाइस से सर काम नहीं चलेगा, हमें वाकई में सर एडवाइस करना होगा, और एडवाइस के लिए सर कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से उस साइकोलॉजिकल प्रारूप में जाकर सोचना पड़ेगा, तभी बेटरमेंट होगा सर। हम अलग अलग परिवेश से सर, अलग अलग समाज से हैं, पर सर मुझे लगता है कि हर परिवेश हर समाज का एक रूप है सर, वो ये है कि हमें बच्चे को सर सफल बनाना है। We are not the richest people, we are from the middle class family, and that's why we are लाभ हासिल सर, हम कोई बिजनेस हम पार नहीं बैठा सर, हमारा भविष्य हमारा निर्धारण सब कुछ हमारे बच्चे हैं सर, जिनके लिए हमारा डेडिकेशन ड्यूरेशन सर केवल पैसे तक है, या हम आत्मा से भी उस चीज को शुरू कर रहे हैं सर जो जरूरी है। मैं ये नहीं कहता केवल सोचना पड़े आपसे सर, चीजों में निकल के आना भी पड़ेगा, जब आएंगे तो सर आपको बेटरमेंट दिखाई देगा। आइंस्टीन साहब से पूछा गया, अगर अपने बच्चे को आपको किसी को जीनियस बनाना है तो आप क्या करें, उन्होंने एक लाइन में कहा, उसको ढेर सारी मॉडर्न स्टोरी सुनाई जाए, उसे कहानियां सुनाई जाए, उन्होंने कुछ और जीनियस बनाना है तो कह दिया जाए, तो मुझे याद आता है फिर से सेम लाइन उन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई और ढेर सारी कहानियां सुनाई जाए, एंड दिस इज द ओनली वे हाउ योर चाइल्ड बिकम जीनियस and characteristic in this earth. अगर और कहानियां होंगी तो आपका बच्चा सर चरित्रवान बनेगा, बेहतर बनेगा, सक्षम बनेगा, और सर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और बेहतर करेगा। और मुझे भी याद आता है when child आपको थोड़ा सा पैटर्न हटा है, न्यूक्लियर फैमिली बड़ी your phone का माइंड फैमिली, तो मुझे याद है कि बचपन में जितनी भी कहानियां सुनाई गई सर, एक एक कहानी सर खड़तर के अंदर है सर, और आत्मा से कनेक्ट होती है सर। मुझे याद है कि जो बाबा अम्मा कहानी सुनाते थे, एवरी स्टोरी हैविंग अ लॉन्ग इंस्पिरेशन सर, तो सर स्टोरी सुनाई जाए, तो सर तीनों चीजों में ध्यान से देखने तो क्या करने की जरूरत है सर। पॉजिटिविटी फोकस ऑन स्ट्रेंथ सर, पॉजिटिविटी मतलब सर सकारात्मक बातें की जाए, फोकस ऑन स्ट्रेंथ का मतलब सर वह केवल जो उसकी ताकत जो इच्छा है सर, आपके दम से दम लगा के चलिए बच्चे के साथ सर। और तीसरा सर, जितनी अच्छी बातें दुनिया की उसको बता सकते हैं सर सीख करके आप, उतना बेहतर होगा सर उसके बेहतर निर्माण के लिए। और सर एक चीज के मैं बड़ा सख्त गुलाम हूँ सर, और वो है कंपैशन सर, स्टॉप किया जाए। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सर, एक बच्चा आता है रिजल्ट लेके आता है, उसका कंपैशन होता है सर, नहीं बुरा मानना चाहिए पर कलयुग का दौर हो सकता है, भगवान ने कहा उसको हार माना होगा, हम कंपैशन कर रहे होते सर बगल वाले बच्चे से बैठ करके, मुझे दुख इस बात को होता है कि आज के जमाने में थोड़ा सा मदर को भी सपोर्ट करने में देखा इस चीज को लेके, वो भी बड़े वाली चिंकी पिंकी के नाम पे कंपैशन चलाया करते रहते हैं सर। एक सिंपल सी बात बताऊं सर, दिल की शाम की सब्जी बनी हो पापा खा रहे हो, पापा को बुरी भी लग रही हो, उन्होंने कल को बड़े वाली जो भाभी जी के यहाँ सब्जी खाई वो अच्छी हो, वो चाह के भी नहीं बोल सकते कि भाभी जी की सब्जी ज्यादा अच्छी थी, आज मम्मी को भी बदल जाएगा। तो सर एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि जब पापा और मम्मी को कंपैरिजन नहीं बढ़ता तो सर आपका बच्चा आपका कंपैरिजन कैसे बर्दाश्त करेगा सर, वो नेगेटिव होगा और आपसे सर दूर होगा जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉप कंपैरिजन सर, बिलीव टू व्हाट ही वांट्स सर, वो क्या चाहता है। अक्सर सर मैं जब डिस्कशन करता था तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरेंटिंग, तो अक्सर सर थोड़ा सा ब्लेमिंग नेचर एज ह्यूमन हो जाता है, पर सर मैं इन सब चीजों की बड़ी असलियत नहीं करता,
क्या इन सारी चीजों के पीछे वजह क्या है? When I started finding the reason, तो फिर सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई, मैं जो आज के जमाने के कैलकुलेट कर रहा था, कहते पेरेंट्स और बच्चे के बीच से मोबाइल निकाल दिया जाए, बाइक निकाल दिया जाए, साइकिल निकाल दी जाए, वीडियो गेम्स निकाल दिए जाए, कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रेंड सर्किल काट दी जाए, मुझे लगता है कि बच्चा और पेरेंट्स से अच्छा रिलेशन दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है। सारी समस्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी सर? पर सर निकालना आसान नहीं है, एकदम पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल देने का भी कोई फायदा नहीं है सर, इसको प्रैक्टिकली समझना होगा। हम जनरली जो करते हैं सर, आज उसकी बात मैं करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल पेरेंटिंग सर। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की मैं बात करूं सर, तो अमूमन जब बच्चे गलतियां करते हैं सर, एक सिंपल सी बात है, आपके बच्चे गलतियां करते होंगे, वीडियो गेम खेल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, सतानी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सर, एक बड़ा जनरल सा सवाल होता है कि इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू जब इस तरह की परिस्थिति होती है। तो शायद सबसे पहला जवाब सबका यही होगा सर कि हम समझाते हैं तब तक जब तक हमारा जूस नहीं निकल जाए थोड़ा या पूरा, तो ट्राई आर लेवल बेस्ट। समझाया सर हमने घंटे दो घंटे पर बाहर आ सर, फिर बच्चा अपने प्रोसेस पर कंटिन्यू है। जब आप क्या करते हैं अगला प्रश्न होगा सर, तो सर इस बार समझाया नहीं केवल, इस बार सर धमकाया भी उसको कि अगर आप दोबारा हुआ तो तुम्हें मार पड़ेगी सर, इसका प्रभाव रहेगा, दो चार घंटे और प्रभाव रहेगा सर, और दो चार घंटे बाद बच्चा फिर से सेम प्रोसेस पे सेम स्थिति में खड़ा हो गया। और तीसरे स्टेप पे तो फिर सर पूछना ही नहीं है, फिर सीधा आप देखते हैं उसमें कोई बात ही नहीं करना है कि आप दो चार पेपर इसको लगा दिया जाए इस पोजिशन में। तो दिस इज द जर्नी व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 50 एंड 100 ईयर। हमारे भी पेरेंट्स हमारे साथ करते रहे और हमने क्या किया सर, करते रहे कंटिन्यूस अप्रोच है सर। फिर मैं पूछूंगा किसी से कि व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे सर, आप फिर समझाएंगे, रोकेंगे, बोलेंगे। एक समय के बाद एक प्रश्न मेरा और बढ़ता है सर, इसके बाद आप क्या करेंगे? तो एक हालात ये भी जवाब मिलता है कि सर जब नहीं सुधरेगा तो हम भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। सो दिस इज द स्टेटमेंट व्हाट वी गेट फ्रॉम द पेरेंट साइड सर। ये हमें भी सुनने को मिलता है सर, हम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं सर, तो पेरेंट्स हमें भी जवाब दे देते हैं। अब आप ही देख लो सर, अब आप ही के हाथ में। तो सर ऐसे कहने से कैसे काम चलेगा? दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट सर, ये कोई राइट स्टेटमेंट नहीं है। और मैंने पूछा कि सर अगर इस तरह की परिस्थितियां हो, भगवान के भरोसे रहो, तो कुछ आशावादी और पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो क्या करते हैं? तो बोले सर फिर से यही कहानी शुरू हो जाती है, समझाओ रोको टोको और बताइए ठोको, ये क्रम से जीवन तंत्र चलता रहता है। बट फाइनली आउटपुट इज जीरो है सर, रिजल्ट आया कहां? सर यही चलता आ रहा है, यही चलता रहेगा जीवन भर नहीं सर, इसको बदलना होगा, इस बात को हमें समझना होगा कि वेयर इज द प्रॉब्लम सर, समस्या किस बात को लेके और सर इसके एक्चुअल में सुधार क्या है। आज पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, टॉकिंग वेरी स्ट्रेट समथिंग, मैं आऊंगा कंपनी के प्रोसीजर पे सर, थोड़ी सी बातें हैं जो मैं बार बार दिल से कहते से या वुडन कार्पेंटर से आपका डिस्कशन चल रहा हो, सडन आपके नौकरानी आए और आपका डिस्कशन चल रहा हो, सलाह देना शुरू करे कि नहीं साहब ये बात नहीं, आप इस तरह नहीं, इस तरह कराइए, डायरी नहीं ये कराइए, आप जो है वुडन करके सर नहीं इस तरह कराइए, तो सर आप उसकी बात सुनेंगे? तो सर जवाब क्या होगा सर? नहीं सुनेंगे। आपका ईगो क्रैश हो जाएगा सर, आपको बुरा लग जाएगा। अब रीजन बहुत सारे हैं सर, हो सकता है कि आप ये स्टेटमेंट मुझे दे कि सर जब हमारा परिवार बैठा तो हमें किसी के सुझाव की जरूरत नहीं। दूसरा वो नौकरानी है सर, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है तो हमारी चीजों को समझ पाए सर। तीसरा सर हम किसी दूसरे की सलाह और इस तरह के लोगों के खास करके जो निचले तबके के सर के सुझाव हमको माने सर, वी आर वेल एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट सर। अंत में सर बात आगे की, वैसे मैं वही एक छोटी सी बात करूं कि सर वहीं पर जो कारपेंटर बैठा हुआ है उसकी बात आप सुनते हो सर, आप उसकी बात क्यों सुनते हो सर? क्योंकि आपको लगता है कि अपने क्षेत्र में वो कारगर है सर, वो भी 5 से 10 हजार का ही आती है सर। इट ऑल्सो नॉट वेरी रिच पर्सन सर, बट ही इज अ टैलेंटेड इन हिज पार्ट सर, अपने पार्ट पे टैलेंटेड है सर, आप उसकी बात सुनोगे सर। जो भी सजेशन देगा सर उसकी बात आप सुनोगे सर, वो भी उसी वर्क का ही है, आया हुआ है।
कि कहीं ना कहीं आपको पता है जो व्यक्ति उस क्षेत्र विशेष में टैलेंटेड है, समझदार है, जो दो चीजों को समझता है। तो सर जनरेशन गैप का सर ये भी एक कारण बन गया। कहीं कहीं सर जब आप टैलेंटेड नहीं हो और आपका बच्चा बात नहीं सुन रहा है सर, तो ये ईगो बनाने का रीजन सर नहीं है। उस बात को आपको समझना होगा सर, क्या वो क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या स्थिति है सर। और स्पष्ट भाषा में बोलूं सर, तो अगर हम खुद को एनालाइज करें ध्यान से बैठ के सर, तो जो 10 साल में उस समय हमारी बुद्धि नहीं होगी सर, आपका बच्चा सर 10 साल में उसे उसका दिमाग चेकेंगे सर, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा सर। तो ये गैप है सर, आप उस तरह नहीं सोच सकते जो 10 साल की स्थिति थी। आज के 10 साल में चेंजेस आए हैं सर, इसको हमें समझना होगा, इसको हमें फील करना होगा, जल्दी बेटर सर चीजें बदलने के लिए। दूसरा बड़ा कारण सर निकल के आता है टारगेट, समाज बदल गया सर। पहले का सिस्टम अलग था सर, राजा के बेटे को राजा बनना था सर, ऐसी प्रणाली थी सर। तो राजा को ही फॉलो करता था बड़ाई को करके, रानी की बेटी को सर रानी बनना था तो रानी की बेटी रानी को ही फॉलो कर रहे थे बुलाई को करके सर। हजाम के बेटे को हजाम बनना था, धोबी के बेटे को धोबी बनना था, और फॉलोइंग देयर पेरेंट्स ब्लाइंडली सर अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहे थे सर। पर आज सर टारगेट बदल चुके हैं सर, नाउ टाइम चेंज सर। आज एक इंजीनियर का बेटा सर मैं देखता हूँ कि वैसा डिजाइनर बनना चाहता है सर, और एक दर्जी के बेटे को देखता हूँ सर वो इंजीनियर बनना चाहता है। एक डॉक्टर का बेटा सर हेयर ड्रेसर बनना चाहता है सर, और एक हेयर ड्रेसर का बेटा सर फाइनली डॉक्टर बनना चाहता है। तो चेंज हैज कम इन द मार्केट सर, चीजों में परिवर्तन हुए हैं और उसको हमें समझना होगा सर। जब हम समझेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर होंगी और सही ढंग से जस्टिफाई हो पाएंगी। और तीसरी सबसे अहम चीज जो इशू बना हुआ सर, दैट इज द टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा कारण बन चुका है सर। लोग बड़ा एक्सक्यूज इस चीज को लेकर मेरे को देते हैं सर कि टेक्नोलॉजी बिकम बिग इशू सर, फेसबुक ये वो सर। हम अपने जमाने में सर, आपका भी जमाना मैं याद करा देता हूँ सर, आपके जमाने में फेसबुक नहीं था सर, आपके जमाने में व्हाट्सएप नहीं था सर, आपके जमाने में डोमिनोज नहीं था सर, आपके जमाने में मैकडॉनल्ड नहीं था सर, आपके जमाने में कितना सारा चैनल नहीं था, आपके जमाने में इतना कपूर का सीरियल नहीं था सर, कुछ भी नहीं था आपके जमाने में। जमाना बदला है सर, तो बदलते हुए जमाने को पुराने जमाने की हम दुहाई नहीं दे सकते सर। We need to understand the pattern। हमें उस स्थिति को समझना होगा, तभी हम बेटरमेंट की ओर लेके बढ़ पाएंगे सर। मेरा केवल एक समझाने का उद्देश्य सर इस बातों का कि सर जनरेशन गैप क्यों है, because we are living in the old and the current situation is changed। सर आज की परिस्थिति थोड़ी सी बदल गई है, अगर ये हम बेहतर ढंग से समझ कर सर सब कुछ बेहतर हो जाएगा सर। आई थिंक एक फादर के लिए उनके बेटों से बड़ा क्या चीज है सर, आगे का फ्यूचर परिवार सब कुछ टिका होता है, जस्ट लाइक राइट एंड लेफ्ट हैंड। सर बहुत बड़ी बात होती है, मुझे लगता है कि एक फादर और एक बच्चे से मित्रवत व्यवहार और मित्रवत रिलेशन दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है, और वो मेंटेन हो गया ना सर, तो बच्चे को सक्सेस पाने से कोई दुनिया में रोक नहीं सकता सर। हमें आइडियलिस्टिक सिस्टम को सर रोकना होगा। कहते हैं इंसान की साइकोलॉजी चार बातें पर टिकी है सर, हम केवल रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, फेंक रहे हैं सर, हम केवल काट देते हैं चीजों को, काटना नहीं है सर, समझना है। टीवी ज्यादा देख रहा है, टीवी का चैनल काटो, दोस्त से मिलने जा रहा है, गेट बंद करो, दोस्त से मिलने नहीं जाएगा, मूवी देखने जा रहा है, बैंक में पैसे दे देंगे, मूवी नहीं देख पाएगा। एवरीवन इज ट्राइंग टू कट दैट मनी सर, कोई चीज कटेगी तो सर गलत होगा। वी नीड टू मेक इट बेटर सर, हमें उसे बेटर बनाना है सर। कहते हैं इंसान की जिंदगी चार साइकोलॉजी के दम पे चलती है सर, जिससे इंसान का व्यक्तित्व निकल के बाहर आता है। उनमें सर पहली चीज है इंसिडेंट, दूसरा चीज है सर इमोशन, तीसरा चीज है सर बिलीफ, और चौथी चीज है इंसान का बिहेवियर। सर हिंदी में समझाऊं